आप देख रहे हैं अपना समाचार। रितु सिंह के ऊपर भी हमारा वो शूटिंग लग गया, कुछ कहेंगे? हमले के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अब ऐसे दीवाने लोग तो होते ही हैं, और रितु सिंह पे हमला हुआ तो उसे तो खुश होना चाहिए कि वो आज इतनी पॉपुलर हुई कि उसको चाहने वाला कोई ऐसा हुआ, वरना कहाँ होता है। देवानंद के लिए लोग छत से कूद जाती थी लड़कियाँ, तभी तो देवानंद बने। तो रितु सिंह को खुश होना चाहिए। नया फिल्म लेके जी, कुछ नया फिल्म बना रहे हैं? हाँ, अभी जो है एक हिंदी फिल्म है भोजपुरी में, चूँकि मुझे थोड़ी सी हट के काम करने की आदत है, तो इस एक बार फिर एक टीनेजर लव स्टोरी बनाने की इच्छा है, और ये अभी हमारे निर्माता अभी अभी हमको साइन किए हैं, तो वो फिल्म बनेगी। फोटो अपना भेज दें, उसके टाइटल रखा हूँ बड़ा डिफरेंट कि और अगर जी लेते। हीरो कौन है सर? हीरो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, जिसको उसके स्टिल्स, हालांकि 3-4 साल से मैं उसको रखे हुए था, लेकिन 3-4 साल से अभी जो प्रोड्यूसर को दिखाया, और प्रोड्यूसर ने जिस जिस को उसका काम दिखाया या उसकी तस्वीर दिखाई, सबने तारीफ की कि यार ये कहाँ छिपा के रखते हैं आप, ये ब्रज जी कहाँ से लाते हैं, ढूंढ ढूंढ के समझ में नहीं आता है। तो खैर, ये औरों को समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हमारी अपनी समझ है, हम ढूंढ लेते हैं। हम लोग कोई जांच नहीं है। अच्छा, इस फिल्म में निर्माण कौन कर रहे हैं बताएं? इसमें हैं धीरज सिन्हा जी, धीरज सिन्हा जी हैं, एक्चुअली निर्मात्री हैं इसकी, ऑफिशियली निर्मात्री हैं प्रगति धीरज सिन्हा, तो ये कर रही हैं। और मुझे कई ज्योतिष ने कहा था कि आपको कोई महिला निर्माता मिलेंगी जिससे आपका कुछ आगे और एक स्टेप आगे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये महिला निर्माता यही मिल गई हैं। भगवान के लिए सर, 2000 साल जिए और हर फिल्म में अपनी निर्माता फीमेल मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।